हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूं दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे जिंक का ऊपर, उसका मार्केट ट्रेंड क्या है, मार्केट रेंज और पिवट पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट और मार्केट क्या होने वाला है आज, उसका ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जिंक का डेली चार्ट और जिंक का पिवट पॉइंट 197.85, फर्स्ट रेजिस्टेंट 199.60, सेकेंड रेजिस्टेंट 202.60 एंड थर्ड 204.35, फर्स्ट सपोर्ट 194.85, सेकेंड सपोर्ट 193.10 एंड थर्ड सपोर्ट 190.10। तो आप देख सकते हैं ये जिंक डेली चार्ट, तो जिंक डेली चार्ट आप देख सकते हैं यहाँ मार्केट जो पहले प्राइस एक्शन मेथड है वो मेथड से ये मार्केट जो लोअर लो था उसका बाद एक लोअर हाई बनाया, लेकिन पहले जो हायर था उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया तो लोअर, उसका बाद मार्केट एक हायर पॉइंट बनाया और हायर पॉइंट बना के ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में ही है। बट ये जो मूविंग एवरेज का मार्केट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सो डाउन ट्रेंड का, तो इनमें से अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि मार्केट अभी भी अप ट्रेंड लिया कि नहीं हो लिया, तो इनमें से लेकिन जो प्राइस एक्शन और 200 का ऊपर में जो प्राइस है तो यहाँ से थोड़ा अप ट्रेंड दिखा रहा है, फिर भी ये जो एरिया है वो थोड़ा अभी साइडवे एरिया में है। तो आप देखेंगे हम 4 आवर में क्या हो रहा है, तो 4 आवर में आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर गया हुआ है जिसे ये हायर हाई बनाया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हायर हाई बनाया, तो बाद में ये पहले जो लो था उसका आसपास में आके एक सपोर्टिंग रेंज बना के रखा हुआ, बाद में एक फिर से मार्केट ऊपर जाने का कोशिश की तो जो पहले जो हायर था उसको ब्रेकआउट नहीं किया, फिर से नीचे की तरफ आ गया मार्केट, तो पहले जो लोअर पॉइंट था उसका आसपास थोड़ा ब्रेकआउट किया, फिर से ऊपर गया, जो हायर पॉइंट था पीवीएस उसको थोड़ा ब्रेकआउट करके मार्केट फिर से नीचे आया। तो इनमें से हमें फुल्ली क्लियरिफिकेशन मिला हुआ है, जो ये जो रेंज मिला हमें, सॉरी थोड़ा ऊपर निकल गया, तो ये जो रेंज मिला हमें ये रेंज में ही मार्केट अभी चल रहा है, तो मार्केट थोड़ा कभी कभी ऊपर तो निकल जाता है लेकिन फिर भी नीचे ये थोड़ा ब्रेकआउट किया था, ये थोड़ा ब्रेकआउट किया था, तो एक रेंज में है, यहाँ पे थोड़ा ब्रेकआउट किया अभी मार्केट थोड़ा नीचे, तो ये एक्चुअली ये स्लीपिंग मार्केट है वो 4 आवर में। तो स्लीपिंग मार्केट में क्या होता है, मार्केट कभी ये कभी हायर लो ये जो सपोर्ट है उसका पास आएगा या कभी ब्रेकआउट करेगा फिर से ये एक रेंज में, तो ये जो ट्रेडिंग करना है तो ये रेंज में ऐसा मार्केट में तो ये रेंज में ही ट्रेडिंग करना है, जैसे आपको नीचे ऊपर मिला तो यहाँ से सेल शुरू कर देना चाहिए और यहाँ पे अगर आसपास मिल गया तो यहाँ से आपको बाय शुरू कर देना चाहिए, तो इसके लिए आप स्टॉप स्टिक और ये कन्फर्म लेना चाहिए। ये है आपका 4 आवर में, तो इनमें से हमें एक रेंज मिल गया 4 आवर में, हमें एक रेंज में मार्केट अभी रनिंग है, तो इसमें क्या करना है अभी देखेंगे हम। तो ये रेंज में तो अभी हम 15 मिनट में देखेंगे, तो 15 मिनट में क्या होता है, ये तो इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूं मैं, तो 15 मिनट में हमें कहाँ एक रेंज मिला था, राइट। तो आप देख सकते हैं एक रेंज, तो रेंज कहाँ पे था हमारा, ये रेंज में, ये जैसे 193 to 99, तो ये रेंज में है, तो मार्केट ये कभी मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे घूम रहा है, तो ट्रेडिंग करना है यही रीजन में। तो अगर आपको ये यहाँ पे अगर सेल सिग्नल मिला जैसे अभी सोलो में 5 मिनट में कर लेता हूँ, तो 5 मिनट में ट्रेडिंग करने के लिए अच्छा रहेगा, तो आप देख सकते हैं ये रेंज हमें मिल गया, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर सकता है, तो कभी क्या होता है मार्केट ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आपको फिर से मार्केट नीचे आने का कोशिश करेगा, तो उस साथ में मार्केट ऐसे जाके CCI भी क्रॉस करना शुरू करेगा, तो उस समय आप सेल में जा सकता है जब CCI क्रॉस करे या 200 को आसपास क्रॉस करे, तो वहाँ पे आप सेल ले सकता है, फिर से मार्केट ये मार्केट नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो फिर से ऊपर जाने का कोशिश करेगा, तो CCI भी ऊपर जाने का कोशिश करेगा, तो वहाँ पे जो क्रॉस ओवर होगा वहाँ से आप बाय ले सकता है, क्योंकि मार्केट अब स्लीपिंग मार्केट एक रेंज में है, जैसे हमने 4 आवर में देखा था एक रेंज, तो ये रेंज में कभी ऐसा ऐसा तोड़ के ऐसे मूव कर रहा है, तो ये रीजन में ही हमें ट्रेड करना चाहिए, जब तक कन्फर्म नहीं मिला हमें ये रेंज को ब्रेकआउट नहीं किया,
नीचे हो या ऊपर में हो, तो हमें ये रेंज में हमें ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।